अच्छा बताओ ना वलीमे की कोई गॉसिप तो सुनाओ मुझे। बताता हूँ, पहले ये तस्वीरें तो देखो ना यार। ओह नाइस, चेक करो। फनी हाँ, और गॉसिप क्या यार, यार कसम से मैं हैरान हो गया था। 3-4 हज़ार लोग थे, 3-4 हज़ार यार। और एक आवाज आई है, रोटी खुल गई है जी। उसके बाद देखने वाला हाल था यार, लोग प्लेटों पे लड़ रहे थे, बोटियां उड़ रही थी, अजीब सीन था यार। खाने की शक्ल देखने का दिल नहीं किया मेरा उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम आज़र भाई। ओह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी फ्लाइट कैसी थी आज़र भाई? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। वो मैं आपके लिए जूस लेके आऊं आज़र भाई? तुम्हें क्या हो गया? एग्जैक्टली क्या हो गया? वो मामा ने कहा था आज़र के सामने तमीज से बात करो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप जूस के लिए गिलास निकालो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम दुबई से? जी। बहुत सही टाइम चुना तुमने दुबई जाने के लिए। वो एक जरूरी काम था। बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ क्या जरूरी काम था तुम्हें। आज़र, इन्हें क्या हुआ यार? पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी। कमाल है भाई। अच्छा ये बताओ कि वो सरगोधा में वलीमा कैसा रहा? It was good, very nice. और सुगी वहां जाके सेटल हो गई, खुश है ना? कराची वापस आ गई। कराची वापस आ जी। अब सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हारी मुश्ताक मियां से कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? स्वयं कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर तुम शादी के बाद इतनी जल्दी मैके आकर कैसे बैठ गई? कुछ गड़बड़ है साईं? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर नबीब। मैंने आज तक एक नई नवेली दुल्हन को इतने जल्दी मायके में बैठे नहीं देखा। अच्छा तो ये तीरी तुमने लगाई थी? मैंने कुछ लगाई। सुन अच्छा सुकी यार, प्लीज यार तो बता दो यार क्या मसला है। तुम्हारी अम्मा का रोज फोन आता है, मुझसे पूछती है क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ। मैं क्या बोलूं उनको, एटलीस्ट हमें नहीं बताया तो उनको तो बता दो यार। माओ का काम क्या है नबी, टेंशन लेना सिंपल। ऑफ कोर्स सुकी, माई टेंशन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? पड़ोसी। जस्ट लीव मी अलोन। तू मेरी कसम खाओ तुम्हारी मुस्ताक से कोई लड़ाई नहीं हुई। अरे बाबा आई स्वेयर कुछ नहीं हुआ यार। मर गई, मैं तो मर गई। कहां से मर गई, तुम पागल हो? तो एक काम करते हैं, मुश्ताक मियां को फोन लगाते हैं। मैं बात नहीं कर सकता। वो बात नहीं कर सकता। क्यों? वो बात नहीं कर सकता नबी। तौबा तौबा तौबा, कैसा दामाद है, अपनी बहन भाइयों से वो बात नहीं करेगा। मर्तबा बीए का इम्तिहान दे चुके हैं। क्यों? आपकी उम्र के आदमी तो डॉक्टरी का इम्तिहान दे रहे होते हैं। ए, बड़ा मजाक सूझ रहा है तुझे, दम अंदर कर। आप दोनों क्या हो रहा है, ये खड़े हो जाएं।
सर वो ये मजाक कर रहा था मेरे साथ। मैं आपको कहीं देखा सी? ओ मुश्ताक मेला साहब। सर आप एग्जाम दे रहे हैं? सर बस वो मैं जी। आप बैठ जाओ जी। सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके इलाके का रहायशी हूँ। अच्छा सर कोई मदद वगैरह चाहिए तो जरूर बताइएगा। मदद? पेपर आता है? थोड़ा सा आता है, मदद का इंतजाम है ना सिंह। नहीं सर अब आपके लिए नहीं तो फिर किसके लिए है? तो फिर जरा आप। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर एक शरीफ और ईमानदार आदमी हो और मैं सबको फख्र से बता सकूं कि मेरा शौहर ईमानदारी से पास होकर समली में गया है। रैंडे यार। क्यों सर? मैं खुद ही कर लूंगा पर्चा। जैसी आपकी मर्जी सर, बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। किस ट्रैक पे ला देता मैंने भाई साहब जी। शादी हुई है आप? नहीं जी। और करना भी ना, और करनी भी हो ना तो उससे पहले सारे वो काम कर लेना जिसमें चीटिंग करनी है। है जी। पर्चा हलकार मिला क्या था जवाब? विकी, वे विकी, पैकिंग कर ली बेटा तूने? जी मम्मी जी। और मेरी बात सुन, तूने जाना तो चली जा कराची, उसको क्यों लेके जा रही है? क्यों? खैर सलाह, आपने इसका अचार डालना। और इधर बहुत सारे काम पड़े हुए हैं करने वाले, इधर मेरी मदद कौन करेगा? जॉय साहब, मैंने ये लड़का सियासत में वक्फ करने के लिए बड़ा नहीं था किया, और वैसे भी कराची वाली दुकान पे बड़ा काम है मेरा इसके लिए। बिल्कुल मम्मी जी, शॉप पे कितना काम है। बड़ा शॉप का पुत्र, एक तो तेरी शॉप मुझे लेके बैठ गई है। जॉय साहब, आपको मेरी दुकान नहीं लेके बैठी, ए तुहाड़ियां हरकतां ने जड़ियां तुहानू लेके बैठी ने। पहले डांस वाली सीढ़ियां, फिर शादी, हुण सियासत, सारा कुछ ही चौधरियां वाला करन लग गए तुसी, ते हद ही होगी तुहाडे वाली। अच्छा ठीक है जी, फिर आप जाया कराची, मैं आप ही देख लूंगा। हैं? मैं के पैरां दी मिट्टी ना छड़ना, हमें कराची भेज के क्या देख लेंगे आप? केबल पे सीडी वाला चैनल। अच्छा जी, तो मैंने तो केबल ही कटवा दी, अब क्या करेंगे आप? मैं बाजार से और सीढ़ियां ले आऊंगा। तो कोई बात नहीं, सबके जाऊं, मैंने वो डीवीडी प्लेयर ना अपने बैग में लॉकर के जेवरों के साथ रख दिए। हुन दसो आ तुसे तो पैस करना है। जॉय साहब, डरे उस वक्त से जिस वक्त आपका इंतखाबी निशान घुंघरू हो गया ना, लग पता जाने तुहानू। मम्मी जी बस कर दें, वो चले गए हैं। अच्छा अच्छा, चल चुप कर। बात सुन, हमने ना आमों की पेटियां भी लेके जानी। आमों की पेटियां? वो क्यों भाई? वो हमने कराची वालों को गिफ्ट करने हैं ना आम। मम्मी जी वो 15 पेटियां कौन उठाएगा? बेटा तू फिक्र ना कर, एयरपोर्ट पे हम हैरी पॉटर ले लेंगे ना। हैरी पॉटर नहीं, पॉटर। मैं जूती लौ लानी है, हर वक्त मेरी अंग्रेजी की करेक्शन ना करता रहा कर। वैसे मम्मी जी सीरियसली, उनको कराची से खरीद कर सबको गिफ्ट कर दूंगा। वे सिर्फ गिफ्ट करने का मसला नहीं है, मैं जरा अपनी आमों की पेटियों की शो मारना चाहती हूँ, कराची वालों को भी तो पता चले कि फ्रेश चौंसा कैसा होता है, वरना तो आम हालात में इधर से चौंसा भेजो तो पहुँचते पहुँचते सलमान भट्ट की शक्ल जैसा हो जाता है। तेर पानी पड़ा। वाओ, फिल्म मेकिंग। जी अंकल। तुम तो हमारी बरादरी की निकली। वैसे अंकल, आप तो इतने अरसे से इस फील्ड में, आपको फिल्मों में काम करना कैसा लगा? भाई कभी तो बहुत अच्छा लगा और कभी कभी ऐसा लगा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे लगा। बाबा, मैं तुम्हें कहा था ना तुम्हें बाबा बहुत पसंद आएंगे। I know, he's so chilled out. वैसे अंकल, आप सीरियस ही ना इस फैमिली के नहीं लगते। What? अरे इसीलिए तो ऊपर वाले ने मुझे इस फैमिली में रौनक बिखेरने के लिए भेजा है। You are right. अच्छा बाबा, मैं एक बात सोच रही थी, आप एनी को अपनी मूवी में इन्वॉल्व क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं, अगर ये चाहे तो। ऑफ कोर्स अंकल, इससे ज्यादा अच्छा वर्क एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये देख लो, काम के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। डोंट वरी, ही इज जस्ट किडिंग। तो फिर डन? रियली? यस ऑफ कोर्स। अब मैं फिल्म बना रहा हूं, तुम मुझे असिस्ट करोगे? यू विल बी माय असिस्टेंट डायरेक्टर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अंकल। ओह माय गॉड, नानी नानी, क्या हुआ? नानी, यू वॉन्ट बिलीव दिस, फराज अंकल ने मुझे अपनी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया है। फराज, किन कामों में बच्चों को लगा रहे हो तुम? बच्चों ने जिस काम में डिग्री हासिल की है उसी काम पे तो लगा रहा हूँ।
अब फिल्म के लिए डॉक्टर रखने से तो मैं रहा। अच्छा जरा मेरी बात सुन लो। जी बोलिए। उधर आओ और आके मेरी बात सुनो। अच्छा 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 उधर वाली बात। ओके एक्सक्यूज मी। देखें मैं आपको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूं, दामाद चाहे मेरी एज का क्यों ना हो उसे डांटना अच्छी बात नहीं है। फराज तुम दुबई क्यों गए थे? भाई फिल्म का काम करने गया था। खास इन्हीं दिनों में जाना था? भाई काम ही इन्हीं दिनों निकला था। झूठ, तुम्हें जान बूझ के भांजी ने भेजा था। भांजी क्यों मुझे भेजेगा? क्योंकि वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। क्या कर दिया? हाँ एक और। नहीं 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 खाइए खाइए, आप ही का तो केक है, दो पाउंड में से एक तो आपने ही खाना है, खाइए। सुखी तुम तो डाइट पर थी। हाँ नहीं नहीं डाइट वाइट को छोड़ो भाई, क्या करना डाइट करके, शादी तो हो गई है और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ होने नहीं वाला तुम्हारा। यू सो मीन एंड सो ऑनेस्ट। एक्चुअली सही कह रहे हो यार, अब शादी हो गई है तो की फर्क पड़ना है ना। सुखी की बच्ची पंजाबी चीप। तुम और लोगी? नो थैंक्स। क्यों? आदिल को पतली लड़कियां पसंद है। ज्यादा ज्यादा क्या सीन है भाई? कोई सीन नहीं है। क्यों भाई क्या हुआ है, लड़ाई हुई है क्या? हाँ पर क्यों? बस वैसे ही। तुम लोग सिला क्यों नहीं लेकर आए? हाँ वो सिला को आदिल से जाना था कहीं। मिले उससे, उनकी कजन जो आई है कनाडा से। कनाडा से कौन? एनी। हाँ कैसी है, क्या सीन है? बस ठीक ही है, कोई खास नहीं है। क्यों? क्यों क्या मतलब है, खुद मिलकर देख लेना। समथिंग फिशी। नथिंग फिशी। हाँ वो याद आया, वो तुम लोग गए थे ना अदील के साथ उस दिन कॉफी के लिए, तो ये के Someone doesn't like Annie. मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी को लाइक या अनलाइक करने की? फेसबुक पर होती तो वो भी कर लेती। Very funny. अरे तुम तो दांत निकाले जा रहे हो, अभी डॉली को फोन करते, बुलाओ डॉली को। हाँ बुलाओ बुलाओ डॉली को, बुलाओ। होनी आने वाली। क्यों? क्योंकि आंटी वापस आ गई है, अब वो कहीं नहीं जाने देंगे उसको। एक दो तीन चार पाँच छह, तीन तो चली जानी है रबिया बाजी के घर। एक मैं जरा स्पेशल ना फराज साहब के लिए निकाल दूंगी। वैसे खुशबू कोई नहीं रह गई अब अनवर टोल में, जब से अनवर टोल अमजदर टोल हुआ है ना, स्वाद मिट्टी हो गई आम। खैर डोली 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 डोली, तूने क्या हो लिया अपना बनाया हुआ मेरी फूफी। ठीक तो लग रही हूँ मम्मी जी। बालों का हाल देख जरा है, तो क्या बॉब कट करा लूं? हाय हाय क्या मैं तेरा करूं, मैं पता है तुझे लेके जाऊंगी सेब्स के ऊपर, वो है ना सबान सारी, बड़े अच्छे बाल काटती है। तुझे इस वक्त बहुत सख्त बी पॉजिटिव हेयर कट की शदीद जरूरत है, तुझे कहां भी था अच्छी तरह तैयार हो के आई। इतनी तो तैयार हुई हूं, गरारा पहन के आ जाऊं? किसी के घर जाने वाली तैयारी करनी होती बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाबाश। चल शुक्र है आ तो गई है ना, इधर आजा मेरा बच्चा, आजा मैं सब के जाऊं, मेरा ऋतिक रोशन है? तो आपकी आम की पेटियों ने मेरी मुसीबत डाल दिया, ऊपर से लिफ्ट भी बंद है। चल कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बस आ गई है। आ मम्मी जी आप ये इतनी सारी पेटियां जहाज में कैसे लेकर आई हैं? सिर पे रख के लाई हूं, ऐवें बोंगिया ना मारा कर खाम खा की। आ अच्छा मेरा पुत्र तू जरा आराम कर ले, फिर हमने शाम को जाना भी है। कहाँ जाना? आदर की तरफ चक्कर लगाएंगे ना। मम्मी जी अभी तो हम कराची पहुंचे हैं। बेटा वो आमों की पेटियां भी तो पहुंचानी है ना हमने। कल परसों पहुंचा देंगे। नहीं ना बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया बस। मम्मी जी ठीक तो कह रहे हैं विकी भाई। चल ना तूने जरूर हिस पे इख्तलाफ करना होता है, वड़ी शाह महमूद कुरैशी ना होवे थे। खाम खा चल मेरा पुत्र, वो तेरी क्रीम है बालों वाली जिससे तू बाल अपने मुर्गा बनाता होता है? जी है। अच्छा बस ठीक है वो लगा लेना है, लेकिन अभी तू आराम कर ले अपने कमरे में जाके। तो बड़ी लाडियां होती हैं और मुझे सिर्फ छिबियां। वैसे भी वो इतने थके भी आए थे, आराम करने दिया करें उनको, आप जो है ना बस उनको तंग करती रहती हैं। अब निरा आराम ही तो नहीं ना उसको करवाना हमने, कल को हमने उसकी शादी भी तो करनी है। क्या मतलब? तू गई थी आजर की तरफ?
नहीं। हाय हाय, तेरे को तो काम पे आ गए थे तो तपुए चढ़ गई है फिर। मम्मी जी क्या हो गया है? अच्छा तू ये बता कि वो तूने वो लड़की देखी है एनी? एनी सिदा चलो ना यार, देर हो रही है। हाँ बस मैं नायल को लेकर आ जाऊँ। नायल को साथ लेके जाएंगे यार, इतनी गर्मी होगी वहाँ पे, छोड़ जाओ उसको। लेकिन किसके पास छोड़ के जाऊँ इतनी देर के लिए? नानी अपनी फ्रेंड के साथ बिजी है और मेड के साथ, इतनी देर के लिए तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। आरफा आंटी से रिक्वेस्ट कर लो, थोड़ी देर देख लेंगे उसको। वो गेस्ट हैं, अब गेस्ट के पास कैसे रखवाऊं? वो गेस्ट हैं। अच्छा अंकल बाहर गए। फिर रब्बे आंट, यू नो द सिचुएशन। या फॉरगेट इट, चलो जाओ ले आओ उसको। वो नाई को उठाने के लिए हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे थे तो उसको साथ ले जाना है। हाँ तो उसे इतनी गर्मी में ले जाने की क्या जरूरत है, तंग होगा, उसे छोड़ जाओ मेरे पास। आपके पास? हाँ मेरे पास, हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। मैं जरा अपने नवासे से खेलूंगी आज। आप? हाँ मैं, यू डोंट ट्रस्ट मी? नो नो इट्स फाइन, चलो इट्स ओके, चलो। आर यू श्योर? यस आई एम। वो ठीक है, सिला वो कह रही है तो ऑब्वियसली वो ख्याल रख लेंगी। चलो तुम ओके, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वो मैं खालिद बंजी साहब। बस थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं तो काफ़ी देर से आपको तलाश कर रहा था, मैं आपके ऑफिस में भी गया और वहाँ से मुझे पता लगा कि आप लंच के लिए यहाँ पर आए हुए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये एनी है, रबिया की भांजी है, कनाडा से फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आई है, मैंने इसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। इसका मतलब है कि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। हमारी? हाँ भांजी साहब भी हमारी फैमिली की तरह हैं। मुझे तलाश करके यहाँ मिलने का मतलब? भांजी साहब आपने कहा था ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी सेक्रेटरी से बात कर लीजिएगा, लेकिन 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 एनी कह रही थी कि मैंने भांजी साहब से मिलना है, इसलिए मैं ले आया। ओह रियली? रियली देखो ना कितने ग्रेसफुल है ये सफेद सफेद बाल जो है। ओह एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आ रही है, आई विल गेट दैट, एक्सक्यूज मी। ओह यस यस। हेलो, मुझे सीधी तरह बताओ बात क्या है? आपने सीधे ही प्रपोज कर दिया तो और क्या करता, मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ चुका था। तो इसका मतलब है कि आप नानी को बिल्ली कह रहे हैं? खुद भी तो चूहा बन रहा हूँ ना, द माउस। ये चूहे वाली क्या बात हो रही है? वो एक्चुअली जो फिल्म हम बनाने जा रहे हैं ना उसमें एक चूहे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन फराज अंकल आपने तो कहा था कि लव स्टोरी है। लेकिन चूहे के सीने में भी दिल है, क्यों? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और न सिर्फ दिल है बल्कि उसकी आंखों में ख्वाब भी है। जी वो बाकायदा छिछोरा चूहा, मैंने सोचा कि फिल्म में उसका बारिश का गाना रख लो। चिंता सॉरी, मेरी कनाडा से कॉल आ रही है। आप मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं? मैंने तुम्हें कहा था तुम इस मामले में मत पड़ो, ये मेरी उनकी आपस की बात है। आपस की बात है? ये मेरे घर की बात है। देखो फराज, तुम इस मामले में मत घुसो, हम लोग बच्चे नहीं हैं जो तुम लोग हमें मशवरे दे रहे हो। हम लोगों ने तुम लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है, लेट अस हैंडल आवर ओन इश्यूज। यार बस भी कर दो सलाह, क्या हो गई तुम औरतों की शॉपिंग नहीं खत्म होती। अच्छा है ना चीजें स्टॉक में होनी चाहिए। अभी तो शुक्र है नायल साथ नहीं, उसका अकेला शोर होता है। आई नो इट्स गुड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर विद हिम, बेबी मिल्क एंड फूड एंड स्टफ। ओह ओह सॉरी, ये भी चाहिए ना सिला? हां आई थिंक दीस वंस आर नाइस। यूसुफ सिला, What a surprise! I know. This is my husband, Azar. Hi. Oh yes. Of course, I remember him from college. कैसे हो?
शादी बच्चे ना बच्चे ना शादी अपनी बस एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है But that's great. कम से कम जिंदगी में कोई तो गोल अचीव कर रहे हो ना तो Yeah, sort of. So, तुम लोग बताओ how's everything? क्या कर रहे हो Married with a kid? Oh, great. No job? नहीं, कॉलेज के बाद टाइम ही नहीं मिला Oh, come on, Silla. तुम क्रिएटिव कॉन्सेप्ट की क्लास में फर्स्ट आती थी and I used to hate that. Really? No, seriously. I think तुम्हें मेरी डिग्री का फुल फायदा उठाना चाहिए. Here. तुम ये मेरा कार्ड रखो. हमारी एजेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट हेड की पोस्ट इस वक्त खाली है. I think you should apply for it. अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है. Okay, कभी भी अगर मूड बन जाए, तो my number is on the card. You can give me a call. Sure. And we should hang out sometime. Yeah, yeah, sure. Why not? Why not? So I'll catch up with you guys later. Okay, okay. You take care. Take care. Pleasure meeting you. Same here. Bye bye. क्या बात है यार जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको तो जॉब मिल नहीं रही और कई लोगों को ग्रोसरी स्टोर में जॉब क्यों ऑफर हो रही है अभी डन चलो चलें अच्छा 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 बस 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 अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊं खिलौने बहुत से जा भाई बात सुनिए जी बीबी इस कमरे की चाबी कहाँ है वो तो मेरे पास है जी आप जल्दी से लाए उसे खोले लेकिन बीबी जी वो तो बेगम साहब ने बोला था मत खोलना आपको मैं कह रही हूँ ये कमरा खोल दें ठीक है जी जल्दी लेकर आ चाबी देख नहीं रहे वो रो रहा है मैं चुकल गया हूँ मुझे अच्छे लग रहे हैं जा भाई मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जल्दी ले आए चाबी अच्छा वो आ गए आ गए आ गए आ जाओ जी आ जाओ बोला था मत बोलना उन्होंने बोल दिया खोल दो अच्छा क्या चाहिए क्या चाहिए इधर बैठो आओ मेरा बेबी इधर बैठो बैठो अच्छा देखो मैं बहुत सारी टॉयज लाती हूँ ये लो ये 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 नहीं अच्छा आ जाओ अच्छा ये वाला ये 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 तो है ये देख कितना प्यारा ओ सिला कितनी देर में आ गया कितनी ये देखो ओह माय गॉड लायन जल्दी लाओ अब इस शेर को देखते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है मास्टर साहब एक बात बताएं आप तो तुम पे ही फंस गए हैं आगे चलें आगे कोई ये तो बतलाए कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है ओ यही तो पूछ रहे हैं कि क्या है एक मिनट हेलो हेलो स्वीटी क्या हो रहा है ट्यूशन पढ़ रहा हूँ उर्दू की सो क्यूट क्यूट क्या यार मुसीबत पड़ी हुई है कल उर्दू का पर्चा है और मुझाल है मुझे कोई शेर याद हो रहा हो तो फिर ट्यूटर को बोलो ना कि तुम्हें समझाए ट्यूटर से मैं क्या समझूं ट्यूटर को खुद ही अपने शेर नहीं समझ आ रहे नाउ डोंट बी मीन मुश्ताक व्हाट मीन यार तुम खुद बताओ तुम उधर बैठी हुई एंजॉय कर रही हो और मैं यहाँ अहमद फराज के शेरों के साथ फराज नहीं मीर तकी मीर जी जी ये मीर तकी मीर का शेर है और जिदा भी होए यार मुझे कौन सा शेर समझ आया है मुश्ताक कल तुम्हारा लास्ट पेपर है उसके बाद दिल चाहे तो पूरी जिंदगी शेरो शायरे को हाथ नहीं लगाना ठीक है और यार ये सवाल तो तब उठेगा ना जब मैं कल तक बच गया और शेर किसी और ने कहे हैं मैं ऐवी याद कर मेरे को पूछ के उन्होंने कहे सी ओके रिलैक्स रिलैक्स एक ठंडा ग्लास लस्सी का पियो पहले उसके बाद दोबारा ट्राई करो सही हो जाएगा ओके आई मिस यू लड्डू आई मिस यू टू बाय बाय अच्छा तो दोबारा शुरू करें कर लो फिर एक मिनट अफीके और लस्सी का ग्लास लेके आई आप पियेंगे जी जी जैसे आपकी मर्जी नहीं आप रहने दें आप शेर दोबारा शुरू करें अच्छा हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम
कि तू क्या है? क्या बात है? क्या बात है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है? हर एक बात पे कहते हो तुम क्या है? तू क्या है? तू क्या है? हाँ, ये अस्सलामुअलैकुम बड़ी What a surprise! है? देखिए फिर है? हम कराची आए सवेरे तो इसी वक्त आपके घर आ दमके है ना? कैसा है फिर? हाथ उठो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई हमने कहा आते ही आपकी अमानत आपके वाले करे। अमानत? हाँ जी। कौन सी अमानत? वो किधर रह गया विक्की? नहीं पता कर विक्की। वे विक्की? विक्की भाई जी आ गया अम्मी जी। अरे बेटा तुमने खुद क्यों उठाया? भाई अशरफ से कहना था ना, वो उठा के ले आता ना। ऐसी कोई बात नहीं, देखने में जरा माड़ा सा लगता है पर मेरा बेटा जो ना अंदर से बाड़ी बाड़ी खूब बनाई हुई है। अच्छा आप खड़ी क्यों? बैठिए ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ क्यों रहते। तो अशरफ भाई ये पेटियां उठा करके रखो किचन में। जबरदस्त आम लेके आए आपके लिए। हमारे अपने बागों का चौंसा है, जबरदस्त है, जेन्युइन डीजल। आपने तो खामखा तकल्लुफ किया, क्या जरूरत थी? वैसे एक बात है कि आम मुझे पसंद बहुत है। अच्छा हाँ हाय अम्मा बड़ी, आप काट के खाती हैं कि चूपती हैं? जी वो इस तरह करके चूप लेते हैं ना, हम लोग तो चूप लेते हैं मन मन आम, हमने हफ्ते में यूं करके उड़ाया होता है। अच्छा मेहमान आए हैं आपके घर में? जी हाँ मेहमान तो आते ही रहते हैं। जाहिर है मौसम गर्मा की ताती लाते तो मेहमान तो आते हैं, तो पड़ी जाते हैं बंदे को। नजर नहीं आ रहा इधर उधर, यही है घर में। अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं, सॉरी। मैं आपके लिए चाय का कहती हूँ। चले ठीक है, शुगर लेस प्लीज। अच्छा है ना। वे उरिया इधर बैठ। जी उरिया क्या हुआ? कितने आज मुर्गा नहीं सही बना हुआ, उरे कर बाल इतने आज गोल कहाँ लगाई थी? ठीक तो है फ्रंट नहीं तेरा ठीक ना बेवकूफा। अच्छा मैं तुझे ये कह रही थी कि अगर तुझे कोई नया इंसान नजर आए तो उससे बात बात कर लेना, कोई खाम खा गुआची गाँव बन के ना बैठ जाना। क्या बातें कर रही हैं, कौन से नए लोग? भाई इनके घर में मेहमान है तो नए नए लोग आपको नजर आ ही जाते हैं किसी वक्त बंदे को गलती से, तो अच्छी तरह से किसी से बातचीत कर लेना। क्या मम्मी जी? अच्छा चलो तू इधर का माहौल बना तो मैं जरा देखती हूं उधर हो क्या रहा है। लेकिन मम्मी जी अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा नहीं लगता? मुझे तो सब अच्छा लगता है। तो तू चुप करके बैठे जाकर तुझे अच्छा लगता, खामोश हो जा जरा मुझे देखने को। मम्मी जी आज कौन से ट्रिप में? वो ऐसे ही बस। वैसे ही क्या? और मेरी तैयारी पे इतना जोर क्यों? आएंगी ना मम्मी जी, विक्की भाई तो खुद ही पूछ लें। कहाँ है हसीना? अल्लाह करे देखने में भी इतनी खूबसूरत हो जितनी कि स्काइप के ऊपर थी। अरे साइमा जी आप? फ्राजी आप? आप फैसलाबाद से कब आई? मैं फैसलाबाद से सवेरे कराची पहुंची, तो कराची शाम को छलांग मार के आपके घर आ गई। आपके लिए चौंसे आम की पेटियां लेके आई हूँ, खाते हैं आम? चौंसा मेरे लिए? हाँ खा लेता हूँ कभी कभी है ना। तो वो अपना वो किसी को ढूंढ रही है? नहीं नहीं वो आपको तो हर वक्त यही लगता होगा ना कि मेरी निगाहें आप ही को तलाश कर रही हैं। खैर छोड़ेगी तय, आपका दुबई का ट्रिप कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छा था। अच्छा। मेरा ख्याल है कि हम अंदर चल के बैठते हैं। है, हाँ, हाँ, है, मैंने तो और अंदर जाना था। चलो बैठ जाएंगे, आप चलते मैं आती हूँ फिर बाद में ना। हाँ मगर ये किसे ढूंढ रही है आप? नहीं वो अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अच्छा खैर छोड़े, ये बताए वो आपकी फिल्म की कास्टिंग का क्या बना? कास्टिंग वो आजकल मेरी कैटरीना से बात चल रही है ना। हाय मैं मर गई। लेकिन देखिए ना फराज साहब, वो आपने मेरा एटम नंबर नहीं भूलना, नागन डांस वाला। मैंने कब का पैगाम भिजवा दिया लेकिन। हाय रबिया जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आ सकती जाऊं मेरे बच्चे? हाय सिला क्या हाल है तेरा? ठीक आपका भाई जी? मैं सवेरे ही आई हूँ ना फैसलाबाद से, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए चौन से आम की पेटियाँ ले जाओ, कुछ वो देखिए कितनी आ रही सारे घर में महक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वो वहाँ का आम तो बहुत खास होता है ना। तो वो नाइल का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, सो रहा है। मैं सद के जाऊँ मेरा पोता सो रहा है, बच्चे सोते हैं कितने प्यारे लगते हैं ना। अच्छा चले आए ना, आप खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हैं, यहाँ बैठते हैं। देखिए ना फिर चौंसा पोला करके देती हूँ ना मैं आपको, ये ले, ये ले आ,
आप ले जी। आम चूपने का जो मजा है ना वो काट के खाने का नहीं है। हाय इतने प्यारे चौंसे में लेकर आई हूँ ना तो नहीं डोली चल दो आम पोले करके देना मामा नु मामा नु तो नहीं खैर अपने ही गिने इन्हें एक और देनी आप और चूपेंगे काट के खा लेते हैं इस तरह से जरा मुश्किल है आप लोगों को। रबिया जी आप भी छुरी लेकर आए हैं अम्मा वड्डी रहने भी दो जो चूपने का मजा है ना फड़ो फटाफट छेती है वो आए ठंडे करके लाई पतीले में सारी गर्मैश निकल गई इसकी देखना आप। इसके बाद हमने कच्ची लस्सी पीनी है ना ठंडे ठार हो जाना फिक्र ना करो एक मिनट रबिया जी ये ले टपक टपक ना हो जावे आराम ना ध्यान करो आहो वे फड़ तू आपे बोला कर लेना मैंने करके दिया मम्मी जी। अरे मानसे इतने जबरदस्त चौंसे हमारे अपने बागों के मीठे चौंसे बाजार से आप लेना उन्होंने चीनी वाले टीके लगाए होते हैं घूट भरने को दिल कर रहा अभी आपका भी फैसला बाद आए ना उधर मैंने आपको आम खिला खिला के मोटा ताजा कर देने हैं आरफा जी 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 चौधरी साहब का क्या हाल है चौधरी साहब को क्या होना है अच्छे भले हट्टे कट्टे तो उनकी कैंपेन कैसी चल रही है हाय हाय उनकी कैंपेन का तो ना पूछे अभी शुरू हुई है तो 20 लाख रुपये लग गए आगे आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होनी हमने खुडे लाइन लग जाना अम्मा वड्डी आप क्या कर रही हैं खेल रही हैं आम के साथ अभी आपने ये खत्म करके दूसरा भी खाना है बोला करके देनी नानी नु फटाफट नहीं नहीं बेटा बस अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी मैं ये बेटा आप क्या कर रहे हो आजकल एक्चुअली आंटी आई एम अबाउट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस इट्स एक्चुअली गारमेंट बिजनेस एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी गुड माशाल्लाह हॉट बिजनेसमैन बनने वाला है इंशाल्लाह होता ला जिस लड़की की भी इसके साथ किस्मत होगी ना बढ़िया मौजा करेगी वो आम खा सलाम कर रहे दोबारा कहते मम्मी जी मैंने सैमा चौधरी की डिजाइनों की इतनी की दुकानें करनी इतने डाकखाने नहीं होने बैठे बैठे करा देनी पूरी मार्केट की मम्मी जी मैंने कब कहा चुप कर जरा विकी वो आम खा के तो गर्मी हो जाती है ना जा दूध सोडा लेके आ कच्ची लस्सी बना ले पानी दूध पानी पानी तो हो जाएगी मम्मी जी मैं जाती बह गया नहीं तू कच्ची लस्सी लेके मेरे लिए आप बैठ जाए मेरा ख्याल आपका ब्लड प्रेशर आया है नहीं नहीं एक मिनट बुर्ची खाने में है चला गया ना हमें अपनी अम्मी को दे दो मैं तो हाफ गई हूँ आम खा खा के बस कर दे अब मेरा हाथ धो लो अब ये लो प्लेट इसमें रखो बस बहुत खा लिया आपने तीन मेरा खा ले आपने क्या पड़ी है हां बस अम्मी बस कर दे अब मैंने तो अभी एक और भी खाना है अब खाएं खाएं क्या चल प्लेट में रख इसको मुका लूं हां ने बासर मुझे गटक बड़ी पसंद है मेरे लिए दो रखना बचा के हां जी नहीं शुक्रिया हे Hey. Do you want some? Yeah, sure. Thanks. Annie, Sila's cousin? Oh, Vicky, Aziz's cousin. Oh, yeah. Oh, Faisalabad wale, na? Yeah, exactly. Or aap Arfa aunty's daughter, right? Ji haan. So, how's it going? It's going good. Good. Hey, chup kyun kar gaya? Ghoo ghade, bolta kyun nahi hai? वो आंटी शायद आपको बुला रही है। खैर सलाम मैं फड़ी गई हूँ। मैं इसकी मम्मी हूँ सैमा चौधरी। How do you do? वो आप तो वो स्काइप वाली आंटी है ना? हाँ हाँ पहचान लिया मुझे। हाय मैं सदके जाऊँ। भूलने वाली चीज थी नहीं मैं वैसे। पहचान ही लिया ना आपने। स्काइप? चुप कर जा। ये मेरा बेटा है। देखा? विकी। अच्छा है ना? ये कॉमिक बैचलर है। जी मैं चलती हूँ आंटी नहीं 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 आप ठहरो मैं चलती हूँ यू टू बी कंटिन्यूड मैं चलती हूँ नहीं नहीं आंटी मुझे एक दो काम है इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू बाय बड़ी कॉमिक कुड़ी है पता नहीं क्या काम पड़ गया मेरा सारा काम खराब करके चली गई है अच्छा ये बता लड़की कैसी लगी अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी बोल रही थी है आप दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी उसे छोड़ ये बता लड़की तुझे पसंद आई है अंग्रेजी सुन के तो मैं तो मार ही गई थी मम्मी जी हुण तू मुंह ना सुजा लेनी आप पानी पिए ये ले पागल हूँ कराची के नलकों का पानी पीऊं अपने पियो नु पैक करके भिजवा दे कराची दी ते हर शाही बेड़ा करके अकेले बैठे ने बदीन दे नाल तंग तो नहीं करे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं यार कभी तंग नहीं करता इज अ गुड बॉय वैसे आज ताई जी बहुत एक्साइटेड थी
आई नो। वैसे पहले जब कराची आते थे ना तब बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती थी, लेकिन अब कराची आने में बहुत एक्साइटेड है। हाँ, वैसे ऑफर बुरी नहीं थी। हाँ? यूसुफ की जॉब ऑफर, वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर डिग्री यूटिलाइज नहीं करनी थी तो इतना फिर पढ़ने का क्या फायदा? नहीं जान, यूसुफ का बच्चा नहीं है ना, इसलिए वो ये कह सकता है। उसे बोलो दो दिन के लिए बच्चा संभालने की कोशिश करे, उसके सारे व्यूज और कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जब मामा के पास चलो जाए, पकड़ो इसको, मामा पकड़ो, मामा पकड़ो, मामा पकड़ो, मामा पकड़ो। ओए 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 ओए। क्या? भांजी ने नानी को प्रपोज ही कर दिया? वो ये समझ रही है कि मैं जानबूझकर उस टाइम पे दुबई गया हूँ। अच्छा, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, मुझे कुछ ना सुनाए, मैं नहीं सुन रहा कुछ यार। तुम मेरे ससुर हो, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, कुछ तो ख्याल करो भाई। हाँ, लेकिन भांजी ने नानी को प्रपोज किया, मैं क्या ख्याल करूँ अंकल इसमें? यार अच्छा भला ये मामला दब गया था, पता नहीं क्या हो गया। वैसे सोचने वाली बात है, आप भांजी से पूछे तो सही, इतना पैसे वाला आदमी है वो, तो जिसे चाहे हासिल कर सकता है, ये नानी में ऐसा क्या नजर आ गया उसको? अरे यार भांजी से मैं बात नहीं कर सकता, मुझे आंटी ने इस टॉपिक पे बात करने से मना किया है। मुझे तो लगता है कि ये फिल्म शुरू होने से पहले ही मेरा दी एंड हो जाए। टक टना डा डा। रबिया आंटी को तो नहीं पता? नहीं भाई, तुम्हारे और मेरे अलावा तो ये बात किसी को पता। मैं तो आइसक्रीम लेने आई थी। बाय।